हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ स्टडी में। आज हम आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कुछ अपडेट की भर्तियों की अपडेट के बारे में, इसमें उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग में अगले विज्ञापन क्या आएगा और किस भर्ती का क्या चल रहा है, इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इन विभिन्न भर्तियों की क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तो देखिए, पहली खबर है कि UPSC AE रिजल्ट 20 दिन के अंदर आ जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो संयुक्त राज्य अभियंत्रण विभाग की भर्ती होती है, इसका रिजल्ट आपको 20 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। और क्योंकि अभ्यर्थी बहुत बेसब्री से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो वह जान लें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती का रिजल्ट जो है 20 दिन के अंदर उनको देखने को मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं, नवंबर में EO या RO में से कोई एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और दूसरा उसके जस्ट बाद आएगा। देखिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2-3 भर्तियों को लेकर के लगातार बातें चल रही हैं, पेपर में न्यूज आ रही है और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात की जा रही है। उसमें एक बड़ी भर्ती आपको 12,000 की LT ग्रेड की है और एक भर्ती लगभग 1,000 के करीब पदों की आपको RO/RO की है और BEO के लगभग 500 के करीब पदों पर विज्ञापन जारी होना है। तो इन सब तीन वैकेंसी महत्वपूर्ण हैं, यानी लेटेस्ट में। तो इन तीनों भर्तियों में से नवंबर में BEO या RO/RO, यानी नवंबर महीने में खंड शिक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी, किसी एक का विज्ञापन पहले आ जाएगा। इसके बाद दूसरे का जस्ट उसके 15 दिन के बाद उसका भी विज्ञापन जारी हो जाएगा। और लेकिन ये बात अभी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अभी जो LT ग्रेड की बात चल रही है, LT ग्रेड की टीचर को लेकर के, उसमें समकक्षता वाला विवाद इस तरह से पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। जब समकक्षता वाला विवाद नहीं सुलझा है तो इसी के कारण जो उसमें विलंब हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि LT ग्रेड में इस बार आयोग ने बदलाव कर दिया है। अब उसमें प्री और मेन, जिसे समाज कल्याण विभाग की भर्ती में हो रहा है, उसमें यह प्री मेंस होगा। इसलिए उसमें नियमावली में संशोधन हो रहा है। समकक्षता जो मतलब कह सकते हैं कि जीव विज्ञान वाले हैं, गृह विज्ञान वाले हैं, ये सब की बातों को लेकर के अभी चर्चाएँ बहुत तेज़ चल रही हैं, इसलिए उसमें अभी डिले हो रहा है। लेकिन ये जान लीजिए कि LT ग्रेड में 12,000 के करीब पदों पर इस बार विज्ञापन आपको टीचर की वैकेंसी का देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं UP SSC की। करा कि जूनियर असिस्टेंट 2019 वाले परेशान ना हो, और जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो रिजल्ट है वह आपको इसी हफ्ते में देखने को मिलेगा। यानी आज तो 26 तारीख हो ही गई है, 5-7 दिन यानी 2-3 तारीख तक किसी भी हाल में जूनियर स्टेंट 2019 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। UP SSC के द्वारा कंडक्ट कराई गई परीक्षा जूनियर स्टेंट का रिजल्ट जो है 2 से 1 हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात चल रही है ANM का ज्वाइनिंग प्रोसेस जल्द ही स्टार्ट होगा, डिपार्टमेंट की पूरी कोशिश है कि अक्टूबर में ज्वाइनिंग करवा दे। यानी देखिए, ANM की भर्ती को लेकर के जो रिजल्ट फाइनल आ चुका है लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो इसके संबंध में आयोग पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है और कोशिश ये कर रहा है कि दीपावली के पहले एक समारोह का आयोजन करे और उस समारोह में जो है नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम किया जाए, और ये समारोह दीपावली के पहले किसी भी तरीके से कराना चाहता है ANM की भर्ती के लिए। तो ANM की ज्वाइनिंग है, इसकी स्टार्ट हो गई है प्रक्रिया और जल्द ही डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि दीपावली के पहले इसकी ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि UP SSC ने ANM की भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित करके अब जो है विभाग को जो है फाइल ट्रांसफ़र करने में लगा हुआ है। अब बात करते हैं, करा कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट की एग्ज़ाम डेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है, जब भी, और इसका एग्ज़ाम आपको नवंबर या दिसंबर महीने में देखने को मिलेगा।
क्योंकि कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट और मुख्य सेविका इन दोनों भर्तियों का जो है विज्ञापन, इन दोनों भर्तियों के लिए जो एग्ज़ाम है वह नवंबर या दिसंबर महीने के इर्द गिर्द ही कराया जाएगा। अक्टूबर में इन दोनों भर्तियों का एग्ज़ाम कराए जाने का कोई भी अभी तक अपडेट नहीं मिला है। अब बात कर लेते हैं UP SSC से आने वाली कुछ वैकेंसियों के बारे में कि UP SSC से अभी लेटेस्ट में कौन कौन सी वैकेंसी आएगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो बंद दरोगा की वैकेंसी तो आ ही गई है, यानी बंद दरोगा की भर्ती का विज्ञापन तो जारी हो गया है। इसके बाद आपको जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन आएगा, जूनियर असिस्टेंट 2022 का विज्ञापन आएगा, जिसमें करीब करीब 2000 के करीब पदों पर विज्ञापन जारी होगा। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट के बाद आपको एक विज्ञापन और देखने को मिलेगा, जो विज्ञापन है अकाउंटेंट का। इसमें लगभग भी 1500 से करीब पदों पर विज्ञापन जारी होगा। लेकिन जूनियर असिस्टेंट के विज्ञापन के पहले आपको सबसे बड़ा विज्ञापन जो है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का देखने को मिलेगा, जिसमें 3400 के करीब पदों पर विज्ञापन जारी होगा। यानी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का विज्ञापन आपको इसी हफ्ते या अगले हफ्ते किसी भी दिन आपको एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उसके तुरंत बाद जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन जारी होगा। जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन जो है दीपावली के पहले खुद जारी कर दिया जाएगा, और इसके बाद जो है जब दीपावली के बाद जारी कर दिया जाएगा उसके पहले फॉर्म फिलअप होगा, और अक्टूबर के लास्ट वीक या फर्स्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको अकाउंटेंट और ट्रेजरी अकाउंटेंट लगभग 1500 के पद इसमें हैं, इनका विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया यानी पेट 2021 से। अभी तीन वैकेंसियां महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है और अकाउंटेंट है। तो ये तीन वैकेंसी आपको पेट 2021 के माध्यम से श्योर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अभी लेटेस्ट में कौन कौन से रिजल्ट घोषित होंगे, तो जैसे रिजल्ट के लिए बात करते हैं तो देखिए, जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट 2019 का रिजल्ट आपको इसी हफ्ते में आ जाएगा, और इसके बाद जो है 2016 की भी ज्वाइनिंग का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, विभाग आवंटन। इसके बाद JEE 2016-2018 के बारे में बात करेंगे, तो 2016 का रिजल्ट अक्टूबर महीने में आ जाएगा या नवंबर में तक जा सकता है, लेकिन JEE 2018 के रिजल्ट के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आ रही है। और जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि लोअर का 19 का रिजल्ट जो है ये इस अक्टूबर महीने में आ जाएगा, उसके 10 दिन बाद जो है लोअर 2022 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो बातें हो गई एग्ज़ाम के रिजल्ट की, और इसके अलावा जो लेखपाल का रिजल्ट है वह आपको नवंबर महीने में देखने को मिलेगा। नवंबर के पहले जो है इसका रिजल्ट किसी भी हाल में देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इसमें एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि पेट का एग्ज़ाम इसी 15-16 अक्टूबर को कराया जाएगा। इसके बाद जल्द ही टेक्निकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा, उसके अलावा मुख्य सेविका का एग्ज़ाम होगा, और तब जाकर के बंद दरोगा की भर्ती का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आने को मिला जुला करके आप देख रहे हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पूरी तरह से बिजी चल रहा है, और उसके पास इतना कार्यभार हो गया है कि अभी कम से कम जो है आपके तीन महीने में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसको 5 रिजल्ट देना है, 4 से 5 या 6 कह सकते हैं आप एग्ज़ाम कनेक्ट करवाना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 3 विज्ञापन देना है, रिजल्ट देना है, विज्ञापन देना है, एग्ज़ाम करवाना है। यानी अगर देखा जाए तो पीछे अगला 90 दिन जो है UP SSC के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्केबल डेल है। तो अब देखने वाली बात होगी कि UP SSC इस पर कितना खरा उतरता है, क्योंकि UP SSC की आदत है कि बातों को टालते रहता है वो। तो सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।